अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल भट्टी इंटरटेनर। मेरा नाम है शुएब और आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और बड़ा अच्छा सीन चल रहा है और लग पता भी गया जब से सिंगल शिफ्ट में आया हूँ। डबल शिफ्ट में तो यह था मेरे पास बहुत टाइम था सब कुछ करने के लिए। सिंगल शिफ्ट में बहुत जो है ना हार्ड जॉब जा रही है और आजकल काम के हालात कुछ ऐसे हैं तो बहुत काम करना पड़ रहा है। 17, 18, 16 आवर्स लाइक दैट। इस पे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप अपनी आप बीती सुनाऊंगा कि क्या डबल से सिंगल में आना फ़ायदेमंद है या नहीं, और किस सीज़न में आना चाहिए सिंगल में, और कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, ये सब बताऊंगा आपको। कितनी सैलरी आती है, हर चीज़, जितने भी सवाल आप लोगों के अबाउट सिंगल शिफ्ट होंगे मैं सबका आंसर करूंगा आपको खुद ब खुद आपके पूछे बगैर। आज की वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है और एक भाई हैं हमारे शाह फैसल खान, उन्होंने कमेंट किया था, आप इस साइड पे देख सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है कि कंपनी में बैन कर दिया जाता है अगर कोई कैंसिल जाना चाहता है, शारजा टैक्सी यानी कि अगर कोई बंदा कैंसिल जाना चाहता है तो उसको बैन कर देती है, तो क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो क्या सिचुएशंस हो सकती है, क्या सूरत हाल हो सकती है। तो इस बारे में मैं जवाब देता हूँ। पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो भाई मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर भी करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। हालात आजकल ठंडे हैं, उसकी रीज़न ये है कि छुट्टियाँ हैं बच्चों को, तो हर फैमिली मेम्बर जो है वहाँ यहाँ से निकल गया हुआ है अपनी अपनी कंट्रीज़ में, उसकी वजह से आवाम यहाँ पे बहुत कम हो गई है। डेली बेसिस पे एयरपोर्ट के कस्टमर मिलते हैं, यानी कि लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं फॉर वेकेशंस ओनली, यानी कि यहाँ पे कोई मामला ख़राब हो गए। सितंबर में दोबारा से काम शुरू होगा, यानी कि जो सही वाला। अभी मुझे 18 घंटे या 17 घंटे काम करके जो पैसा मिलता है उस वक्त में मुझे 12-13 घंटे में ही मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है अच्छे टाइम का और इस टाइम का। ये टाइम बुरा नहीं है, ये टाइम एक पार्ट ऑफ यूई का नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि इस मौसम में आके या इस टाइम पे आके थोड़ा काम कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी ऐसे ही रहेगा, तो ये सिर्फ 2-2.5 महीने की बात है, उसके बाद सब ऐसा हो जाएगा कि हम खुद अब आ रहे हैं। सीधी सी बात है, हम खुद बहुत तंग हैं, आलम की भी चीखें निकल रही हैं और भी 2-3 दोस्त हैं, हम सारे खुद भी तंग हैं, हम कोई खुश नहीं है, क्योंकि हम लोगों को आदत थी पैसा कमाने की ज़्यादा सारा, तो अभी ज़्यादा सारा नहीं बन रहा। अल्लाह का बड़ा करम है कि कम से कम टारगेट पूरा हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी सच है कि जो काम हम लोग 12 घंटे में कर सकते हैं वो हमें 16-17 घंटे में करना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह ये तो सब ठीक हो जाएगा, इसमें तो बेहतरी आ जाएगी। बाकी जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जी कंपनी बैन लगाती है या नहीं लगाती। देखें, कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है आप पे बैन करने की, अगर आपका कंपनी से कोई लेन देन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आप अगर कैंसिल जाना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोशिश करें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से 2 महीने पहले एप्लीकेशन डाल देते हैं कि मैं अगला वीज़ा रीन्यू नहीं कर सकता, मुझे कैंसिल जाना है, और आपके कोई ड्यूज नहीं है कंपनी की तरफ, यानी कि आपने कंपनी का कोई पैसा नहीं देना, तो कंपनी आपको लीगली कैंसिल करेगी विदाउट एनी बैन। लेकिन अगर आपने कंपनी के देने हैं पैसे, कॉन्ट्रैक्ट आपका फिनिश नहीं हुआ और आपने पहले ही थरथली डाल दिया कि मैं कैंसिल जाना है, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने कंपनी का पैसा भी नहीं दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं किया हुआ, आपका मामला जो है वो बहुत ख़राब है, तो फिर कंपनी भी आपको उसी तरह से डील करेगी। नॉट ओनली शारजा टैक्सी, यूई की तमाम कंपनीज आपको ऐसे ही डील करेंगी। मेरा पानी गिर गया नीचे। यूई की तमाम कंपनीज आपको ऐसे ही डील करेंगी अगर आपने जो है आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके आपने कुछ करने की कोशिश की, ठीक है। जो लॉ है, जो एक तरीक़ेकार है, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो यूई की कोई कंपनी आपको बैन नहीं कर सकती। और तो और, अगर आप बिल्कुल लीगल जा रहे हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं है यार। ये देखो, ये वो बातें हैं कि बस ऐवी हैं, ये निकली हुई हैं सिर्फ। कुछ लोग होते हैं वो आते हैं ना 6 महीने काम करके, वो कहते हैं मैंने वापस जाना है, ऐसा तो नहीं है ना यार। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर वो पूरा करोगे तो ही कुछ कर सकते हो। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे 7 महीने हुए, मेरे भी दिल में चल रहा होगा कि यार ये छोड़ दूंगा मैं फ्यूचर में,
लेकिन ये जरूर चल रहा है कि ऐसे नहीं छोड़ूंगा, प्रॉपर इसका जो एक तरीकेकार है वो करके छोड़ूंगा ताकि कोई मेरे लिए मसला ना बन सके, ठीक है। बाकी शारजा टैक्सी कोई जालिम नहीं है, ना शारजा टैक्सी कोई मतलब कि किसी का नुकसान करेगी इस तरह बिला वजह, और ना ही कोई मसला है। जिस बंदे ने शारजा टैक्सी के पैसे देने हैं उसको देने ही पड़ेंगे, अगर वो पैसे दे देगा तो वो लीगली कैंसिल हो जाएगा। एक तरफ वो पैसे नहीं दे रहा, दूसरी तरफ वो बदमाशी कर रहा है, तीसरी तरफ वो कह रहा है मैंने काम पे नहीं आना, मतलब कि वो अपना पूरा वजन डाल रहा है। तो फिर जाहिर बात है कंपनी कुछ एक्शन तो लेगी, कोई भी कंपनी एक्शन लेगी। तो अवॉइड करें, देखो यार फन्ने खां बनना है तो आप अपने कंट्री में बन सकते हो, इस कंट्री में आपको फन्ने खां बनने की जरूरत क्या है। इधर फिर दो ही बातें होंगी, या आप कुछ करोगे तो फिर आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो या फिर आप इज्जत से निकल जाओ। दो ही बातें हैं यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आपने फनकारी कर भी दी और बच भी गए, बचोगे नहीं फिर। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा सोचा भी ना तो फिर आपके साथ भी बहुत गलत होगा। और ये हर कंपनी में है, शारजा टैक्सी नहीं है, हर कंपनी आपको तरीके से चलना है। पानी पुनी गाड़ी में रखा हुआ है पूरा माहौल। प्यास लगती है आजकल क्योंकि गर्मी तो है, लेकिन माशाल्लाह गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है, इतनी गर्मी में भी ठंड लगती है, मैंने स्लो किया हुआ है। तो बस ये सीन था, थोड़ा सा आपको रोड्स दिखाता हूँ। और सुबह के मामला थे, अभी अभी मैं ड्यूटी में निकला हूँ 9:30, ठीक है। काम के हालात आजकल ठंडे हैं, थोड़ा सर्च करना पड़ता है फिर काम मिलता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। माशाल्लाह से इन दिनों में भी कभी 500 हो रहा है, कभी 600 हो रहा है, कभी 400 भी हो रहा है, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ड्यूटी जो है वो 16 आवर्स चल रही है। तो यही जब मौसम अच्छा आ जाएगा ना, सीज़न यानी कि लोग वापस आ जाएंगे, मौसम अच्छा आ जाएगा, तो ये 16 आवर्स जो हैं वो 12 घंटे में बदल जाएंगे। और अगर 16 आवर तब भी करूँगा तो ये जो पैसा है ये 700 पे चला जाएगा, 800 पे चला जाएगा। तो हम उस अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं बस, क्योंकि हमारा भी ये, मेरा भी ये पहला ही सीज़न है तो पता मुझे भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अच्छे वक्त का इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि जैसे ही अच्छा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह मज़ा करेंगे। फिलहाल तो बहुत आलू पड़ रहे हैं, ठीक है, आलू समझते हो ना, आपको थोड़ा मोहल्ले वो खुद वकूद दिखाते हैं सुबह का। लें गाइस मुलाहिज़ा फरमाइए, शारजा ताउन अल खान का एरिया है, ताउन कमाल। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत मछेरे फिर रहे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर काफ़ी होता है। पर आजकल ऐसा पंप चला हुआ है कि काम कम है, तो लिहाजा सर्च कर करके आपको कोई मिल जाता है, इतना इजी नहीं है। तो ये बहुत प्यारा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, बड़ी एलीट क्लास आवाम यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे जो है काम हर दफ़े आपको 24 घंटे में आपको मिलता रहेगा। मौसम के हालात ये हैं कि भाईजान तकरीबन गाड़ी में तो ये शो कर रहा है कि 46 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन हमें लगता है कि अबव 50 चल रहा है डे में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और जब मैं गाड़ी थोड़ी दूर लगाता हूँ पार्किंग में तो मेरा बुरा असर हो जाता है, मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा रास्ते में, क्योंकि मैं लाल हो जाता हूँ और पसीना ही पसीना होता है, मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसीलिए पहले गाड़ी में बैठता हूँ, नॉर्मल होता हूँ, फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आजकल बहुत गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा। बस ये आपको दिखाना था कि आजकल का ये सीन चल रहा है, काम भी ठंडा है। रही बात कि मुझे सिंगल में आके कैसा लग रहा है और मेरे साथ क्या होगा, मेरी सैलरी कितनी आएगी, और तो और सिंगल में आने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सिंगल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और इसके अलावा ये सब बातों का जवाब अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। मुझे पता है आपके दिलों में ये बातें चल रही होंगी। मैंने ये तो आपको ज़रूर बोल दिया कि सिंगल आसान नहीं है, मुझे लग पता गया है, ठीक है। ये नहीं कि मेरी बस हो गई, बस नहीं हुई मेरी, लेकिन जिसे कहते हैं ना आलू पै गए ने, वो मुझे पड़ गए। करूँगा, ढीठ हूँ मैं, बहुत ढीठ हूँ अल्लाह के फजल करम से, मैं करूँगा ज़रूर, भाग नहीं रहा मैं। लेकिन ये है कि काम ठंडा है ना, जब काम गर्म हो तो आपको ना थकावट होती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, लेकिन जब काम नहीं है ना आप क्रेज़ी हो जाएंगे, आपका दिल करेगा मैं किसी के अंदर गाड़ी मार दूँ, दूसरे टैक्सी वाले को मैं आगे ना आने दूँ, उसको चपेड़े मारूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है यार, सिर्फ दिमागी गेम है। काम जब होता है तो इतने सारे खुश होते हैं, सारे ड्राइवर ही खुश होते हैं जब काम होता है, और जब काम नहीं है सारे ड्राइवर परेशान, सारे पागल हो जाते हैं।
उनकी गलती नहीं है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, क्या करे बंदा यार। तो बस वीडियो को लंबा नहीं करता मैं, बस बात ये थी कि कोई आपको बैन नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं करेगा अगर आप सही हैं तो, और अगर आप फनकारी करेंगे तो अगले भी फिर बहुत बड़े बड़े फनकार बैठे हुए हैं। तो बस कोशिश करो जब इधर आओ इस कंपनी के यूएई में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, और उसको जब छोड़ने लगो तो लीगल वे से उसको छोड़ो, अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करो, अपने ड्यूज जो है वो पे करो, कंपनी आपको लीगली बैन करेगी और कंपनी आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। और अगर आपने फनकारी की तो फिर यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाता है, और जब लीगल एक्शन लिया जाता है तो फिर आपकी खैर नहीं है, ठीक है ना। फिर नहीं कहना कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, ये कर दिया वो कर दिया, जब आप खुद ज्यादती कर रहे हैं तो अगले भी ज्यादती करेंगे, जब आप खुद ठीक हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो बस ये थी गाइज आज की वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों को मैं जो है आंसर करूँ वीडियो बना के, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कैसा कुछ नहीं है। कंपनी बैन जरूर लगाएगी जब आप कंपनी को छेड़ेंगे, अगर आपने कंपनी को नहीं छेड़ा तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई इतना जालिम नहीं है, कोई नहीं है, कोई हुक्मरान थोड़ी लगा हुआ है यार, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ठीक हैं तो कुछ नहीं होगा। सो बस ये थी आज की वीडियो, इसको लंबा नहीं करते, नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा जल्दी ही कि सिंगल शिफ्ट के फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या है, ठीक है ना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे कमेंट करते रहना, जो बात पूछनी हो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर करूँगा वीडियो बना के, ताकि वो सब लोगों को पता चल जाए, बाकी लोग भी जो उसको जान सकें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आखिर ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है। तो जो भी बात हो आप मुझे करते रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। सुबह सुबह का टाइम है, मैं काम पे फोकस करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा ड्यूरिंग वीडियो, तो इसीलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त है मुझे, लव यू, बाय बाय।